राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में 33वां नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने कॉमन हॉल में बड़ी संख्या में मौजूद डॉक्टरों की मौजूदगी में केक काटा। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक दिव्यकांत पांडे ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि 1 जुलाई 1991 में इसकी शुरुआत प्रसिद्ध चिकित्सक शिक्षाविद व बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। 1976 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके तमाम योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जीवन बचाने वाले डॉक्टरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जश्न मनाने का दिन है जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने डॉक्टर्स डे को लेकर बताया कि यह ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस प्रोफेशन का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बहुत होती है। जब कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन को जिम्मेदारी से नहीं करते तभी मिस्टेक होती है। वहीं डॉक्टर शैली महाजन ने कहा कि डॉक्टर मरीजों को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। जब कोई मरीज दर्द में आता है तो डॉक्टर पहले कोशिश करता है कि कैसे जल्द से जल्द मरीज को दर्द से निजात मिले। हर मरीज के साथ डॉक्टर अपनी जिंदगी का एक अंश देता है, क्योंकि दर्द में जब कोई मरीज आता है तो डॉक्टर अगर प्यार से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आधा दर्द ऐसे ही ठीक हो जाता है। हर मरीज को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो डॉक्टर के फैमिली से हो। डॉक्टर्स डे के बारे में आपने बहुत सही कहा है कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है और किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है इस प्रोफेशन का। डॉक्टर्स पे जिम्मेवारी भी बहुत है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है। दे आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। सो ऐसा ये एक प्रोफेशन है जो किसी और प्रोफेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है सबसे उच्च प्रोफेशन है ये। एक सवाल करेंगे मैम, जिस तरह से हालांकि आज डॉक्टर्स डे है लेकिन डॉक्टर्स को एक भगवान का रूप भी माना जाता है। अगर कहा जाए तो अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कई बार देखा गया है कि डॉक्टर्स का दुरुपयोग भी करते हैं। उन डॉक्टरों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से कोई इंटेंशनली केयरलेस होते हैं डॉक्टर्स। कई डॉक्टर्स जो हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है। कई डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई पर्पसली किसी मरीज को हार्म नहीं करता है, बट केयरलेसनेस होती है। इतना सीरियसली उस अपने प्रोफेशन को जब नहीं लेते हैं तब मिस्टेक्स होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पेशेंट अफेक्ट होता है और कई बार ज़िंदगी भी जा सकती है। तो ये ऐसा, आप इसमें, इस प्रोफेशन में कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, कोई लाइटली काम नहीं कर सकते। हर चीज़ को बहुत सीरियसली और विद हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होता है। बट मैं ये कहूँगी कि कोई इंटेंशनली किसी पेशेंट को हार्म नहीं करता है, बट इट इज़ बिकॉज इतना उन्होंने इन डेप्थ काम नहीं करा या इतना वो जो टाइम देना चाहिए था या जो सीरियसली काम करना चाहिए था वो नहीं करा। आपने सवाल करेंगे, न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन के साथ साथ ये इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोफेशन। द मेजर रिसर्च डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड have occurred in the medical field. जैसे कि आप देखें कोविड में कोविड वैक्सीन डेवलप हुई है। सो इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन टू बी फॉलोड, बोथ इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड इन टर्म्स ऑफ रीचिंग वेरी हाई हाइट्स। वेरी हाई हाइट्स कैन बी रीच्ड इन दिस प्रोफेशन, सो दे शुड टेक दिस प्रोफेशन। थैंक यू।
मैम पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे के लिए। और डॉक्टर्स डे की पहली प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे? डॉक्टर्स जो हैं आई थिंक अपना सब कुछ दे देते हैं मरीजों के लिए। जब भी एक कोई दर्द में आता है मरीज़, तो हमारा ये मेन पर्पस होता है कि उसको दर्द से कैसे रिलीफ किया जाए। और हर मरीज़ के साथ डॉक्टर एक अपनी ज़िंदगी का एक अंश उसको दे देता है। दैट इज़ द वे लाइक आई ट्रीट पेशेंट्स। क्योंकि एक दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर एक डॉक्टर एक प्यार से भी बात कर लेता है ना, तो मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक वो ठीक हो जाता है। तो और ये भी रहता है कि मरीज़ जिस हिसाब से अपने आप को हमारे सुपुर्द करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ट्रस्ट वैल्यू होती है जो हम डॉक्टर्स को कायम करनी चाहिए। और मेरा पर्पस यही रहता है कि हम हमेशा इस चीज़ को सर्वदेश मान के चलें कि हम मरीज़ का ट्रस्ट किसी भी पर्पस से लूज़ ना कर पाएँ। एक आखिरी सवाल करेंगे मैम कि न्यू जनरेशन डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो नए जनरेशन के डॉक्टर्स हैं सही तौर पर कुछ एग्रेसिव, उन तमाम लोगों के लिए पेशेंट के प्रति किस तरह का व्यवहार और क्या संदेश रहेगा आपका? मरीज़ को इस तरह से देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जैसे वो आपके घर का ही कोई मेंबर हो। आपके पिताजी को आप कैसे ट्रीट करोगे, आपकी मदर को कैसे ट्रीट करोगे, अगर आपके भाई हैं बहन हैं उनको कैसे ट्रीट करोगे घर में भी। क्योंकि मरीज़ जो भी आता है वो दुख में होता है, वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, हर तरह से हताश होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे बोलनी है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो एक ओहदा दिया गया है एक भगवान का, तो सबसे पहले अपना संयम बना के रखना है। मेडिटेट करिए, आप किसी भी कारण अपना आपा नहीं खो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से उसको ट्रीट करना है, क्योंकि मरीज़ के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। अगर उसका आंसर मिल जाए, वो सिर्फ आपसे एक उत्तर मांग रहा है अपने प्रॉब्लम का, तो अगर उसको उत्तर मिल जाता है तो वो वहीं पे संतुष्ट हो जाता है। जब तक उत्तर नहीं मिलता है तो वो भटकते रहते हैं। तो ट्राई करना है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, किस तरह से हम उसका निदान कर सकते हैं। अपने आप को मेडिटेट करके बहुत संयम से मरीज़ को सुनना है। बेसिकली वो चाहता है कि मुझे सुना जाए और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप ट्रीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट एक मरीज़ को सुनने से ही आई थिंक आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलीव हो सकती हैं। नमस्कार। उसको एक्सप्लेन करो। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर डे पे आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज़, आज आपकी मदर एडमिट है, जी जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी माताजी 10 दिन से यहाँ एडमिट हैं, तो मतलब बहुत परेशान थे हम लोग। उनको क्लॉटिंग की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगा बस कम शब्दों में कि ऊपर वाला तो सबके लिए होता है, मगर यहाँ पे तो डॉक्टर ही भगवान हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं और थोड़ा सा फ़र्क भी है क्योंकि एज भी माता जी की ज़्यादा है, मगर यह है कि डॉक्टरों ने काफ़ी केयर की है यहाँ पर। मैं यही कहना चाहूँगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।